एमपी के सागर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर 60 यात्रियों से भरी बस पुल पर फंसी लोगों को बचाया गया। एमपी के रतलाम में पुल पार करते समय नदी में फंसे 3 बाइक सवार रेस्क्यू पर बचाया गया। एमपी के गुना में भारी बारिश की वजह से घरों में घुसा पानी, पुल पर पानी भरने से रास्ता बंद। राजस्थान के झालावाड़ में पिछले 40 घंटे से जारी बारिश, पुलिस थाने में भरा पानी। एमपी में लगातार जारी बारिश की वजह से होशंगाबाद डैम के 11 गेट खोले गए। एमपी के दमोह में बारिश की वजह से 30 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा। एमपी के देवास में बाढ़ की वजह से लहरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। अटारी बॉर्डर पर महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। पुंछ में पाक की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब, भारत की फायरिंग में 3 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। कर्नाटक के बागलकोट में बाढ़ की मुसीबतों पर भारी देशभक्ति का जज्बा, बाढ़ के पानी के बीच फहराया तिरंगा। अटारी बॉर्डर पर पूरे जोश के साथ हुआ बीटिंग द रिट्रीट समारोह, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा अटारी बॉर्डर। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में मना आजादी का जश्न, देशभक्ति के गाने पर थिरके बीएसएफ जवान। लद्दाख के लेह में आजादी के जश्न में थिरके छात्र छात्राएं। सिक्किम के ओपी दोर जिला में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा के अंतिम पोस्ट पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा लहराया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बीजीपी जवानों ने एक दूसरे को मिठाई देकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वीरता का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी मिंटी अग्रवाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाक विमानों की पकड़ी थी घुसपैठ। एमपी के टीकमगढ़ में दबंगों की दबंगई, आदिवासी महिला सरपंच को ध्वजारोहण करने से रोका। यूपी के बस्ती में इंटर कॉलेज में तिरंगा फहराने के बाद खुलेआम हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में घर में घुसकर 2 बहनों का कत्ल, आरोपी सीसीटीवी में कैद। पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार लॉरी सड़क पर खड़ी कार से टकराई, 10 से ज्यादा की मौत। 29 अक्टूबर से डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री, केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या सिन्हा का 71 साल की उम्र में निधन, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया था,